पद्मावती फिल्म से यूपी में हालात खराब हो सकते हैं। यूपी सरकार ने यही बात केंद्र सरकार को बताई है। यूपी के प्रमुख गृह सचिव ने इस बारे में सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव को चिट्ठी लिखी है। यहाँ की इंटेलिजेंस पुलिस यानी खुफिया विभाग ने बताया है कि अगर 1 दिसंबर को पद्मावती रिलीज हुई तो हंगामा, तोड़फोड़ और खून खराबा भी हो सकता है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बारे में चिंता जाहिर की है। तो वहीं दूसरी तरफ एडीजी का कहना है कि पद्मावती फिल्म के रिलीज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि फिल्म के सेंसर बोर्ड के पास होने की वजह से रोक लगाना मुश्किल होगा। इसीलिए फिल्म पद्मावती को लेकर सिनेमाघरों में और बाहर फोर्स का इंतजाम किया गया है ताकि कोई विवाद खड़ा ना हो। प्रशासन का काम होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना, और अगर सेंट्रल बोर्ड ने या जो भी अधिकृत है इस मामले में अगर वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेशन है और अगर पिक्चर रिलीज हो रही है तो फिर हमारा ये दायित्व होता है, बनता है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था विपरीत रूप से प्रभावित ना हो। हमारे पास कुछ इस तरह की भी सूचना तंत्र के माध्यम से कुछ जानकारी आई है कि कुछ संगठन हैं जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। विरोध अपनी जगह है और कानून व्यवस्था की स्थिति विपरीत रूप से प्रभावित हो वो दूसरी जगह है। अगर कोई भी तत्व कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करता है या कानून को अपने हाथ में लेता है तो वह कठोर वैधानिक कार्रवाई जो बनती है वो की जाएगी।